दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन में चला रहा हूँ पीसी का वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट गेम जिसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन 2 और अब मैं चला रहा हूँ GTA 5 अपने फ़ोन में। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कितने स्मूथली पीसी गेम्स मेरे फ़ोन में चल रहे हैं बिना किसी लैग के। सो गाइज अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। सब लोग अपने फ़ोन में पीसी यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेलने के साथ साथ आप लोग पूरा पीसी अपने फ़ोन में इंजॉय कर पाएंगे, जो गेम चाहें वो डाउनलोड कर पाएंगे 1 Gbps की स्पीड से। सो गाइज इस वीडियो को आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ऐसे बेहतरीन पीसी गेम्स आप अपने फ़ोन में नहीं खेल पाएंगे। सो गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को इन्जॉय कर पाएंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में एक पीसी ओपन किया है और यही काफ़ी बड़ी बात है। और इस पीसी में आप लोगों को GTA 5 और Red Dead Redemption 2 गेम पहले से इंस्टॉल्ड मिलते हैं जिनको आप डायरेक्ट क्लिक करके चला सकते हैं, कोई भी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कोई रॉकस्टार गेम आईडी या स्टीम आईडी आपको नहीं चाहिए, गेम इंस्टेंटली चल जाएंगे। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई दूसरा गेम डाउनलोड करना है तो आपको बता दूं कि आप 60 या 100 GB का गेम आप 8 या 10 मिनट के अंदर इसमें डाउनलोड कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इसमें एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि भले ही आप इसको जियो सिम से चला रहे हैं लेकिन जो इस पीसी में स्पीड मिलेगी वो 1 Gbps की स्पीड होगी। और अगर आपको क्लाउड गेमिंग के बारे में नहीं पता है तो आप कहीं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली 100 से 200 kbps जो आपको जियो में कम स्पीड मिलती है उसने स्पीड से भी आप लोग इसमें पीसी ओपन कर सकते हैं और उसके बाद जो गेम चाहें वो गेम आप 1 Gbps की स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं इसमें 93-94 Mbps की स्पीड मिल रही है और 1 GB 10-10 सेकंड में डाउनलोड हो जा रहा है। तो जितने GB का भी आपका गेम हो, जैसे आप WW2K20 खेलना चाहते हो, आप लोग सीधे इस पीसी के क्रोम में जाइए, टाइप कीजिए WW2K20 फॉर पीसी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर इसमें रन करके खेल लीजिए, बहुत ईजी है। आपका अगर गेम 60 GB का भी हुआ जैसे GTA 5, वो भी 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइज यही आपको मिलेगा और ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोग भी पीसी को अपने फ़ोन में इंजॉय कर सकते हैं और पीसी गेम्स को बिना किसी प्रॉब्लम के खेल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए आपको कोई आईडी या अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको गेम्स खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले से गेम्स ओन्ड रखे हुए हैं या फिर आप चाहें तो क्रोम से जो गेम्स होते हैं क्रैक्ड वर्जन उनको भी डाउनलोड करके आप इसमें खेल सकते हैं। GTA 5 पहले से ही है और Red Dead Redemption भी पहले से है और PUBG भी गेम भी इसमें पहले से ही है, मतलब जो ये PC है उससे पहले से ही स्टीम आईडी है वो लॉग्ड इन रहता है, तो आपको कुछ लॉग इन नहीं करना है। तो आप लोग ओन्ड गेम मतलब जो गेम इसमें पहले से खरीदे हुए हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आपका गेम इसमें नहीं है तो आप लोग क्रोम से क्रैक्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं पीसी गेम का। सो गाइज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग भी इस पीसी को अपने फ़ोन में इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्यूटोरियल को, तो मैं होप करता हूँ कि आप ट्यूटोरियल को एंड तक अच्छे से देखेंगे। दोस्तों अपने फ़ोन में पीसी गेम्स या पीसी इंजॉय करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक है पेड और दूसरा है फ्री। फ्री मेथड और पेड मेथड दोनों मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है अपने फ़ोन में पीसी गेम्स खेलने के लिए। सो गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है रेनवे और इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसी एप्लीकेशन की मदद से आप लोग पीसी गेम्स को अपने फ़ोन में इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक सेटिंग है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप उस सेटिंग को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा। सो गाइज उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रेनवे आप लोगों को ऐसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद अगर ये पूछे कि आपके पास पीसी है तो आप बोल दीजिए यस, भले ही आपके पास ना हो बस आप यस बोल दीजिए, यस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे लिखा होगा एंटर कोड मैन्युअली। तो ये कोड जो मैं आपको दूंगा एक सर्वर का कोड रहेगा और उस सर्वर में 1 Gbps की स्पीड मिलती है और उसी कोड की मदद से आप लोग पीसी गेम्स भी खेल पाएंगे और पीसी को भी इंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहला ट्रिक है कोड पाने का, वो है लाइव स्ट्रीम। एक चैनल है गेमर गाई, वो यूट्यूब चैनल, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस चैनल में आप लोग को जाना है और जो लाइव स्ट्रीम होते हैं उसमें आपको 1-1 घंटे का एक कोड मिलेगा, वो कोड से आप लोग 1 घंटे तक GTA 5 या कोई भी पीसी गेम मतलब पूरा पीसी आप लोग 1 घंटे तक एंजॉय कर पाएंगे और वो कोड हर 4 मिनट में मतलब लाइव स्ट्रीम में शो होगा, जो सबसे पहले यूज़ करेगा कोड उसका।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए आपको अभी पीसी यूज़ करना है इस वीडियो को देखते ही देखते, तो आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर सेव करना है इस कंपनी का रेनवे, और ये क्या करती है, आप लोगों को कोड प्रोवाइड करेगी सिर्फ 5 रुपये पर घंटा, मतलब पर आवर। सो गाइज, आपको सिर्फ 5 रुपये देना होगा और 1 घंटे तक आप लगातार GTA 5 या Red Dead Redemption 2 या फिर पूरा PC इंजॉय कर पाएंगे, कोई भी गेम डाउनलोड कर पाएंगे 1 Gbps की स्पीड से। सबसे पहले आपको नंबर सेव करना है, आपको हाई सेंड करना है, उसके बाद आप लोगों को एक कुछ इन्फॉर्मेशन देगी कंपनी ऑटोमेटेड मैसेज के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सो गाइज, हाई सेंड करने के बाद कुछ इस टाइप का रिप्लाई आएगा कंपनी की तरफ से। ये बोलेगा कि आपको मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, लगभग 500 से 600 kbps में, या फिर जो भी आपके पास जियो सिम है, जियो सिम में बहुत स्मूथली चल जाएगा। लेकिन आप लोग 2 एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं पीसी एंजॉय करने के लिए। पहला तो हो गया रेनवे, रेनवे के अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हैं रिमोटर। तो मैंने रेनवे यूज़ किया क्योंकि रेनवे में काफ़ी स्मूथ गेम चलता है। नहीं तो आप लोग रिमोटर ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो प्रीफर करूँगा आपको कि आप रेनवे ऐप ही यूज़ करें, रिमोटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ अप टू यू, उसका ऐप भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा कि आई वॉन्ट रेनवे कोड 5 रुपीज़ वाला, मतलब 1 घंटे के लिए मुझे चाहिए ताकि मैं 1 घंटे तक GTA 5 खेल सकूं। तो मैं लिखूंगा या आई वॉन्ट पेटीएम मेथड, मतलब जो भी आपका मेथड हो, आपके पास 5 रुपये कहीं भी ऑनलाइन, उससे आप लोग इनको सेंड कर सकते हैं। तो ये लिखेगा आई वॉन्ट पेमेंट पेटीएम मेथड, तो मैं पेटीएम से इन सबको पैसा भेज सकता हूँ। आपको उस पैसा सेंड करना है 5 रुपये, फिर आपको स्क्रीनशॉट देना है इन सबको, और उसके बाद ये सब आपको कोड दे देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पेटीएम नंबर इसने सेंड कर दिया। तो आपको क्या करना है, इस पेटीएम नंबर को कॉपी करना है और इस पर एक पेमेंट कर देना है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस नाम पे 5 रुपये का एक पेमेंट कर दिया है, जिससे मुझे रेनवे का कोड मिलेगा 1 घंटे के लिए। अब मैं इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेंड करूँगा और उसके 10 से 20 सेकेंड बाद ये लोग मुझे कोड दे देंगे। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कंपनी वालों ने बोला है कि आपको कोड 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगा, मुझे कोड ये मिल भी गया। और दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दूं कि इस ट्रिक के लिए आपको कोई भी पीसी नहीं चाहिए, कोई भी अकाउंट नहीं चाहिए। आपके पास अगर 1 GB रैम वाला 4 साल पुराना फ़ोन भी है तो भी आप उसमें पीसी गेम इंजॉय कर पाएंगे बिल्कुल स्मूथली। बस आपके पास एक 4G सिम और ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जैसे जियो सिम अगर आपके पास है तो आपका गेम बहुत स्मूथ चलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोड पुट कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आप GTA 5 और Red Dead Redemption 2 गेम तो खेल ही पाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपको अपना खुद का गेम डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वालिटी आप फास्ट रखिए। फास्ट नहीं रखेंगे तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करेगा। और रेजोल्यूशन आप लोग 720p HD रखिए, ये परफेक्ट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपका गेम बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और रिमोट डेस्कटॉप को आप लोगों को विजिबल कर देना है, विजिबल करेंगे उसके बाद ही आप लोग PC को यूज़ कर पाएंगे, वरना आप सिर्फ गेम्स खेल पाएंगे, वो भी सिर्फ GTA 5 और Red Dead Redemption 2, बाकी सारे गेम्स आप नहीं खेल पाएंगे। तो आपको सेटिंग्स में रिमोट डेस्कटॉप को विजिबल करना है, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो आपके फ़ोन में PC ओपन हो जाएगा। फिर टच से आप इसको यूज कर पाएंगे, लेफ्ट से स्वाइप कीजिए और टच पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपको ऐप ओपन करना है उस पर डबल क्लिक कीजिए, थोड़ा टाइम लगाता है लोड करने में, उसके बाद वो खुल जाएगा। उसके बाद आप जो गेम चाहें खेल सकते हैं, यहाँ से भी आप GTA 5 और Red Dead Redemption 2 स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग रेनवे के व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। सो गाइज, फिर से मैं आपको दिखा दूं कि आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको टच का और ऑन स्क्रीन गेम पैड और कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली जो रेनवे का व्हाट्सएप नंबर है जिससे आपने इसको बाय किया, या फिर उसका जो व्हाट्सएप नंबर है कस्टमर सर्विस का, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरा गेम स्मूथ नहीं चल रहा, मेरे PC ओपन नहीं हो रहा, मेरे में बटन्स नहीं आ रहे, वो सब आप मैसेज करें। वैसे ये प्रॉब्लम आती तो नहीं है, लेकिन आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं GTA 5 इसमें पहले से ही ओपन है, और कोई भी आप ऐप खोलेंगे जैसे एपिक गेम्स या स्टीम ऐप, तो उसमें पहले से लॉग इन रहेगा और उसमें आप आराम से गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी आप इस PC में कर सकते हैं जो आपका मन चाहे। सो गाइज, मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, काफ़ी धमाकेदार वीडियो है, बहुत कम व्यूज आता पता नहीं क्यों उस वीडियो में, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी अगर इसमें व्यूज़ देखें तो ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसमें 1 से 2 मिलियन व्यूज़ आसानी से आ जाएँ। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।